प्रजनन द्वार एक है। जीवन जीने के जितने संसाधन हैं सब एक से हैं। एक ही धरती पर सारे लोग रहते हैं। ब्राह्मण के लिए धरती अलग नहीं है, क्षत्रिय के लिए अलग नहीं है, वैश्य शूद्र के लिए अलग अलग नहीं है, हिंदू और मुसलमान के धरती अलग अलग नहीं है। जिस आकाश के नीचे जीते हैं वो आकाश एक ही है। कोई नहीं कह सकता है ये ब्राह्मण वाला आकाश है, क्षत्रिय वाला आकाश है, कि वैश्य वाला है, कि शूद्र वाला है, ये हिंदू वाला है कि मुसलमान वाला है। आग है आग, कोई भी आदमी ऐसा कहेगा कि मुसलमान वाली आग दो पागल तो कह देगा, क्योंकि आग मुसलमान वाली नहीं होती है, आग हिंदू वाली नहीं होती है। ये जो हवा चल रही है ये हवा न हिंदू वाली है, न मुसलमान वाली है, न ब्राह्मण वाली, न क्षत्रिय वाली, न वैश्य वाली, न शूद्र वाली। हवा एक है, पानी एक है, अग्नि एक है, धरती एक है, ये सारे संसाधन एक से हैं। अब प्रजनन द्वार सबका एक है, अब प्रजनन अवधि सबकी एक है। क्या ब्राह्मण का बच्चा सतमसवा होता है? जी, ब्राह्मणी के गर्भ से बच्चे जब जन्म लेते हैं उस सात महीने कुछ दिन में, शूद्र का बच्चा जो जन्म लेता है वो 18 महीने में। प्रजनन द्वार एक है, प्रजनन अवधि एक है, सबकी आकृति एक सी है। कोई काला है, कोई गोरा है, ये कोई वर्ग और वर्ण का परिचायक नहीं है। जो गर्म प्रधान देश है दक्षिण भारत से कोई आवे है तो केवल शूद्र ही काला नहीं होता है, वहां के ब्राह्मण भी काले होते हैं। भौगोलिक कारण है, आबो हवा कारण है। कश्मीर से आवे तो केवल ब्राह्मण ही गोरा नहीं होता है, बल्कि पैखाना फेंकने वाला भी गोरा होता है, क्योंकि ठंड प्रधान देश है, सारे लोग गोरे गोरे होते हैं। नेपाल से कुछ लोग आ जाए तो नक चिपका खाली सूत्रे नहीं होगा, ब्राह्मण की भी नाक चिपकी हुई होती है। ये सब कोई निर्णय नहीं है, छटंकी बात है। सब सारे लोगों की आकृति एक सी है। आकृति से मतलब ये है कि सबके बीच में नाक है, और नाक के दाईं तरफ बाईं तरफ दो आंखें हैं, ठीक आमने सामने कनपट्टी में दो कान हैं, नाक के नीचे मुंह है, मुंह के नीचे गर्दन है, सारे अंग हैं, सबके एक समान है। एक दिन हमारे महाविद्यालय में जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था तो एक पंडित जी थे हमारे दरभंगा का, बच्चों को पढ़ाते थे, तो प्रसंग ऐसा आया, अच्छे पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे, प्रसंग में उन्होंने कहा कि गैर ब्राह्मण में जो गौरांग है, ध्यान दीजिए कितनी बड़ी गाली है, कहा गैर ब्राह्मण में जो गौरांग है, गौरांग मतलब गोरा वर्ण का आदमी, वो ब्राह्मण के नियोग से इन अपनी तरफ दर्पण से देखे नहीं थे। पंडित जी स्वयं कुछ श्यामले वर्ण के थे, कृष्णांग थे। तुम्हारा एक साधु था नंद किशोर दास, उसने कहा कि साहेब गुरु जी अगर गैर ब्राह्मण में गौरांग है तो ब्राह्मण के नियोग से हैं, और आप कृष्णांग हैं तो आप किसके नियोग से हैं? ये अस्पष्ट बाधिता कबीरपंथी में होती है, इसको खंडन नहीं समझना चाहिए, इसको सुधार समझना चाहिए। बहुत से लोग हमसे शिकायत करने जाते हैं कि रमाशंकर साहब जबरदस्त हथौड़ा चलाते हैं। हम कि हथौड़ा नहीं चलाते हैं,
जो सच्चाई है उसका उद्घाटन करते हैं। तुम पक्षपाती हो, उसी सरी गली बातों को तुम दिल दिमाग में चिपकाए चल रहे हो, इसलिए लगता है कि रमा शंकर साहब खंडन करते हैं। आत्मा का खंडन कभी नहीं करते हैं, मातृदेव पितृदेव इसका खंडन कभी नहीं करते हैं। गोबर देव का खंडन नहीं करेगा, दिमाग खराब हो गया है। तुम जो गोबर को देवता मानते हो, पेड़ पौधा को देवता मानते हो, सूखे बांस को देवता मानते हो, इतना गड़बड़ विचार रमा शंकर का नहीं है, इसको स्वीकार नहीं करेगा। जो देव है उसको मानते हैं, मातृदेव है। वेद के ऋषि ने कहा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तीन देवों की परिगणना वेद के ऋषि ने की है। आप तो डेढ़ दर्जन अलग से दुनिया भर के झंझट तैयार कर लिए हो। वेद के ऋषि ने कहा कि मां देवी है, पिता देव है और गुरु देव है। उसी वेद सिद्धांत के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दिनचर्या है कि प्रात काल उठकर रघुनाथ, मातु पिता गुरु ना वही माथा गहिल कते गलो खोजो। राम जी मां का नमन करते हैं, पिता का नमन करते हैं, गुरु का नमन करते हैं, गहिल किधर गया सोखा और मोखा। ये दुनिया भर के ये झंझट लेकर के बैठे हुए हो, इसकी चर्चा तो नहीं है कहीं। संतोषी का जो जन्मे नहीं था, इसकी चर्चा ही कहीं नहीं है। तो जो वेद का सिद्धांत है, माता देवी है, पिता देव है, गुरु देव है, इसका मंडन करते हैं रमा शंकर जी। और माता पिता सेवा दवा हवा के लिए घर में तरस रहे हैं, तुम्हारी सेवा की जरूरत है माता जी को, पिताजी को दवा की जरूरत है, व्यवस्था की जरूरत है, और तुम दौड़े चले जा रहे हो बहंगा कंधा पर लेकर के बैजनाथ धाम। इसका खंडन रमा शंकर जी करते हैं कि तुम्हारे जीवन में विचार करके देखो, तुम्हारे जीवन में बैद्यनाथ बाबा की कुछ भी लागत नहीं है। ध्यान देना, जितनी देव और देवियां हैं उसका हमारे जीवन में कोई लागत ही नहीं। सीधी सी बात है, जो हमारा शरीर बना है थोड़ा सा मसाला माता जी का है, थोड़ा सा मसाला। अरे बोलो ना भाई, यही काम तो जिंदगी भर किए हो तब। थोड़ा सा मसाला माता जी का है, थोड़ा सा मसाला पिताजी का है। बैजनाथ हुआ कि मसाला छिटक करके चला गया क्या उसमें? तो हमारा आपका जो शरीर बना है, कितनी अतर्क साफ सुथरी बात है रमा शंकर जी की, इसका खंडन नहीं करते हैं। माता पिता के मसाला के संयोग से ये आत्मा के साथ इस मातृ गर्भ में ये पिंड का गठन हुआ। माता जी का मसाला, पिताजी का मसाला और आत्मा का संयोग, तीनों मिल करके मां के गर्भ में इस पिंड का निर्माण किया 9 महीने कुछ दिन में। इस सारे आकार बने, सारी क्रियाएं माता जी की हैं। मां सांस लेती है, गर्भ में छोटा बच्चा है वो सांस नहीं लेता है। मां की सांस से गर्भगत बच्चे के शरीर की क्रिया हो रही है। मां जो भोजन लेती है उसका जो रस बनता है, मां की नाभि से बच्चे की नाभि जुड़ी रहती है। जो भी मां भोजन लेती है उसका रस बनता है, तो जरूरत भर गर्भगत बच्चा ले लेता है, शेष रस से मां का पिंड पोषण होता है। इसलिए आप लोगों को अनुभव है कि कोई स्त्री जब गर्भवती होती है आपके घर में, उसके लिए आप लोग कुछ न कुछ पौष्टिक आहार का प्रबंध करते हो, बावजूद उस गर्भवती औरत का शरीर पीला और ढीला पड़ जाता है। क्यों? इसलिए आहार जो लेती है उसका जो रस बनता है उसका 2 भाग में विभाजन हो जाता है। जरूरत भर गर्भगत बच्चा ले लेता है, शेष रस से मां का पिंड पोषण होता है।
माँ जो आंखों से देखती है उसका संस्कार गर्भगत बच्चे पर पड़ता है, माँ जो कानों से सुनती है उसका प्रभाव गर्भगत बच्चे पर पड़ता है। इस जीवन के साथ माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तभी हमारे ऋषि ने कहा है कि माता निर्माता भवत, इस समाज की निर्मात्री शक्ति माँ। माँ जो सुनती है वही ज्ञान है पिता के पास, बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका, कि बच्चे से कोई संबंध नहीं है पिता का। माँ जो बातों को कान से सुनती है उस सुरत ज्ञान का असर गर्भगत बच्चे पर पड़ जाता है। सुनिए भी, विचारिए भी या कुछ पढ़िए भी, महाभारत में आप लोग जानते हैं, महाभारत में छल छद्म बहुत होता है, पूरा महाभारत छल और छद्म से भरा हुआ है। चक्रव्यूह की लड़ाई शुरू हो गई और चक्रव्यूह भेदन करना केवल अर्जुन जानता था, उसको बहका करके लोग दूसरी तरफ ले गए, इधर चक्रव्यूह भेदन लड़ाई शुरू हो गई। युधिष्ठिर जी के हाथ पर सिर पर हाथ दे करके चिंता मगन है, उधर से दौड़ता हुआ छलांग मारता हुआ लारला अभिमन्यु आया 15 वर्ष का। उसने कहा, पिताश्री आप चिंतित क्यों? का बेटा चिंता का विषय है। कहा क्या? का ये चक्रव्यूह भेदन का जो काम शुरू हुआ है इसका भेदन करना केवल अर्जुन जानता है, काम कैसे होगा? अभिमन्यु ने कहा कि अर्जुन नहीं है, अर्जुन तनय तो है। इस चक्रव्यूह भेदन करने के 5 फाटक तोड़ने का ज्ञान हम गर्भ में ही लेकर के आए, ये कैसे हुआ? उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु पल रहा था। एक दिन रात में अपने आसन पर उत्तरा लेटी हुई थी और अर्जुन जी चक्रव्यूह भेदन की बात कह रहे, थोड़ी सी असावधानी मां से हुई जो अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन बोलते गए, उसकी मां सुनती गई, 5 फाटक तोड़ने तक की बातों को सुनते सुनते उत्तरा की आंखें बंद हो गई। ज्ञान का जो आविर्भाव हो रहा था अर्जुन के दिमाग में, जो ज्ञान था वो जो उत्तरा के कान के द्वारा गर्भ में उतर रहा था ज्ञान, उसका स्रोत बंद हो गया क्योंकि उत्तरा की आंखें बंद हो गई। तो मां जो कानों से सुनती है उसका असर गर्भगत बच्चे पर होता है। हमारे यहां के लोग बड़े सावधान थे, पहले जो गर्भवती औरत होती थी उसके सामने धर्म ग्रंथ की बातें होती थी, वीरों की बातें होती थी, दार्शनिकों की बातें होती थी। जिस प्रकोष्ठ में गर्भवती औरत रहती, दीवाल में बुद्ध का चित्र, महावीर का चित्र, वीर भगत सिंह का चित्र, मीरा का चित्र, सबरी का चित्र, कि आदर्श पुरुषों की चित्रावली को मां देखेगी तो गर्भगत बच्चे पर यह संस्कार उतरेगा। बड़ी सावधानी बरती जाती थी। तो अर्जुन के दिमाग में सारा ज्ञान है लेकिन अभिमन्यु के जीवन में नहीं उतरा, चूंकि लगाव नहीं है पिता से। ये पिता जो बैठे हुए हैं आपके साथ, कोई लगाव नहीं है बच्चों का। बच्चे का लगाव उसकी नाभि से है, उसके कान से है, आंख से है। जो अपने ज्ञानेंद्रियों से माताएं अनुभव करती हैं वो अनुभव का ज्ञान गर्भगत बच्चे पर उतर जाता है। तो मैंने कहा कि माता पिता के संयोग से जीवन बना है, इतने संस्कार बने हैं माता जी के द्वारा। वैद्यनाथ सुबा के द्वारा कौन संस्कार मिला? ये कोठी के दोग में रहने वाली जो गहील है उससे कौन सी प्रेरणा मिली? ये सोखा से, मोखा से, ये 1.5 दर्जन देवता जो बिना किराया का घर में रह रहा है,
उससे कौन सा संस्कार बना बच्चे का। एक बार देखिए आप लोग, एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, कोई सुधार भी नहीं हो उससे। मैं उदाहरण के साथ आपके सामने अपनी बातों को रखूंगा। एक अध्यापक ने बच्चों को टास्क दे दिया, लड़का प्राथमिक कक्षा में पढ़ता था, अक्षर ज्ञान ले रहा था। अब किसान किताब महल टहल ये सारे शब्द लिख करके इसका स्पेलिंग ठीक करके ले आओ, हिज्जे ठीक करके ले आओ। लड़का गया और अध्यापक की मार के भय से रात में दीप जला करके रट रहा है, कोहर शिकार स्वाकार नो कसान। अब कोहर शिकार लगा रहा है, अब उच्चारण गलत करता है, किसान को कसान करता है। याद कर लिया आज, जिसको सुबह शाम अगरबत्ती दिखाता है उस सरस्वती का भी चित्र है दीवार में। जितनी देव देवियां हैं सबके चित्र दीवार में है, जिसको सुबह शाम अगरबत्ती लगा करके प्रार्थना करता है। हनुमान जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, विद्याधिष्ठात्री सरस्वती भी हैं। लड़का गलत उच्चारण करता चला जा रहा है, ने सरस्वती सारा किया कि बेटा जब मात्रा लगाते हो कहर शिकार तो की होगा, कसान कैसे कहते हो। एक भी देवी देवता ने उसका सुधार नहीं किया। कल जब वो 9 बजे विद्यालय पहुंचा है और क्लास टीचर आया, कहो कि हो कल का टास्क तैयार करके ले, एकदम हुजूर तैयार करके ले आए हैं। का बोलो किसान, का कोहर शिकार स्वाकार न कसान। अब कोहर शिकार कहता है, उच्चारण करता है कसान। सरस्वती सुधार नहीं किया, गही दुर्गा सुधार नहीं किया, हनुमान जी हैं सुधार नहीं किए, गणेश जी हैं सुधार नहीं किए। सुधार कौन किया? जो कल के क्लास टीचर है चेतन, वो सुधार किया। तो किस दिन के देवी देवता को रखे हुए हो? आज सारे लोग विचार तो कीजिए कम से कम, ये सभी संत महात्माओं के दिल में दर्द है।